तो आज हमने 1500 रुपए खर्च करे हैं इंटरनेट के फेमस शेफ नमक शमक के रेस्टोरेंट में। नमक शमक डाल देते हैं और 1500 रुपए ही खर्च करे हैं इंटरनेट के नंबर वन टॉप मोस्ट शेफ संजीव कपूर के रेस्टोरेंट में। खाना खजाना जो कि संजीव कपूर का इतना पॉपुलर शो है, उसका फर्स्ट एपिसोड अपने नमक शमक शेफ हरपाल सिंह सोखी जी ने होस्ट किया था। उसके बाद जाके टेक ओवर किया था उसको संजीव कपूर ने, जो कि इतना बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा कुकिंग शो बन गया था। भाई इन दोनों मास्टर्स के रेस्टोरेंट से आज खाना आया है तो टक्कर भी मतलब घनघोर होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देखो कि यह है हरपाल सिंह सोखी जी के नमक शमक रेस्टोरेंट की पैकेजिंग, जो कि ब्लू कलर की है। सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। लेकिन संजीव कपूर के डब्बे इको फ्रेंडली है। ये मेरा रिव्यू सुनने के बाद जो मेरे को बोल रहा है कि मैंने पैसा खाया इसके लिए, भाड़ में जाओ तुम लोग। मतलब ऑर्डर हमने सेम करे हैं, एक स्टार्टर मंगाया है, मेन कोर्स मंगाया है और रोटी मंगाई है। सेम डिशेस, बेस्ट सेलिंग दोनों की। फिर देखते हैं कौन जीतता है। आइए, हरपाल सिंह सोखी जी के पहले स्टार्टर ये है छोले कुलचे पॉकेट। मतलब छोले कुलचे का पॉकेट वर्जन में बनाकर एक अलग तरीके का फ्यूजन आपके लिए सर्व करा गया। जब हम इनके रेस्टोरेंट में गए थे तब हमें पता लगा था कि इनकी हर डिश के पीछे एक स्टोरी छुपी होती है। हमारे संजीव कपूर जी के रेस्टोरेंट से हमारे पास जो स्टार्टर आया है वो है मशरूम गलौटी कबाब। अगला है शेफ हरपाल सिंह सोखी जी के रेस्टोरेंट का 600 रुपए का अंबाले वाला तरी वाला मुर्ग, कारीगरों की दाल मखनी। प्राइस है इसका 460 रुपए। नमक शमक जी के रेस्टोरेंट का एक डेजर्ट जिसका नाम है जलेबी वॉफल्स। वॉफल्स जो कि जलेबी से बने हुए हैं, भाई कमाल। हाँ जी, तो यह है संजीव कपूर जी के रेस्टोरेंट की दम गोश्त बिरयानी। यह है संजीव कपूर जी के रेस्टोरेंट की लल्ला मुस्सा दाल। संजीव कपूर जी के रेस्टोरेंट का पूरन सिंह का तरी वाला मुर्ग। और यह है संजीव कपूर जी के रेस्टोरेंट का हलवा, जो कि डेजर्ट्स में हमने ऑर्डर करा है। हलवा ही क्या, दोनों डिशेस की अगर आप क्वांटिटी देखोगे ना, क्लियर कट विजेता जो है वो है अपने नमक शमक वाले रेस्टोरेंट। और चीजों की शक्ल भी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। पिछली बारी संजीव कपूर जी कुणाल कपूर जी से हार गए थे, इस बार मैं उनके लिए नहीं चाहता ये चीज। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि आप नमक शमक के ज्यादा बड़े फैन हो या फिर आप शेफ संजीव कपूर के ज्यादा बड़े फैन। सबसे पहले हम खाते हैं दोनों रेस्टोरेंट के स्टार्टर डिशेस। आइए, पता कैसे खाएंगे हम? रणवीर बराल के जैसे। पता कैसे खाते हैं? तो भाई इसमें बेसिकली ना बाहर कुलचे की ब्रेड है, अंदर एक पिंडी छोले से बने हुए पकोड़े हैं एक तरह के मेरे ख्याल से। और ये साथ में बड़ा ही ड्राई ड्राई सा टेस्ट कर रहा है। इसके साथ अगर कोई डिप वगैरह आती है तो शायद मेरे को ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट फिर भी ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को ये एवरेज लगे टेस्ट में, कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं लगे। चलिए ट्राई करते हैं संजीव कपूर जी रेस्टोरेंट का स्टार्टर। आइए यार, ये भी बड़ा फीका फीका सा है। अभी तक तो मेरे को दोनों में से किसी में मजा नहीं आया। अगला आइटम देखते हैं। आइए चलिए अब अगला आइटम टेस्ट करते हैं, दोनों की चिकन की मेन कोर्स की डिशेस और दोनों की दाल। आइए टेस्ट करते हैं इनकी इंडिविजुअल रोटीज के साथ। ये रोटी भी नहीं है, पेशावरी नान है। और ये हम खाएंगे पूरन सिंह के तरी वाले मुर्ग के साथ। ये तो प्रॉपर ढाबा स्टाइल चिकन लग रहा है मेरे को। वेरी गुड, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लेवर्स नहीं बट एक डिसेंट टेस्ट में इसको जरूर बोलना चाहूंगा। चलिए ये वाला ट्राई करते हैं। तो भाई इनकी रोटी में भी कुछ खास बात है, क्योंकि ये सिंगल रोटी 160 रुपए की है। वो रोटी काली है तो। हाँ, और इसका नाम है चारकोल चीज हाउस स्पेशल नान। अगर आप क्रिएटिविटी की बात करो ना, तो हैंड्स डाउन हरपाल सिंह सोखी जी का नमक शमक रेस्टोरेंट का कारीगरी कमाल कारीगरी कर रहा है। इसको टेस्ट करते हैं इनके अंबाले वाले तरी वाले मुर्ग के साथ। क्या बात, मैं भी पहली बार चारकोल नान खा रहा हूँ यार। भाई बहुत कूल, चिकन मेड द वे जस्ट आई लाइक इट। मेरे को तो ये वाला चिकन काफी ज्यादा पसंद आया। अगला टेस्ट करते हैं दोनों रेस्टोरेंट की दाल मखनी। आई बड़ी अजीब अतरंगी है भाई ये चारकोल नान तो, कसम आपने ऐसा कुछ नहीं टेस्ट करा होगा। कड़वाहट भी है इसके अंदर, पर ऐसी कड़वाहट कि आप खा सकते हो। नमक शमक के कारीगर रेस्टोरेंट की दाल का टेस्ट थोड़ा बहुत एवरेज था। यहाँ पर संजीव कपूर जी बाजी मार सकते हैं भाई, सच बता रहा हूँ। लल्ला मुस्सा दाल। चलो इस बारी में हम संजीव कपूर जी की दाल मखनी को जीत दे देते हैं। तो अब जो फैसला बचा वो बचा दोनों के डेजर्ट्स पे। तो ये संजीव कपूर जी के रेस्टोरेंट का हलवा, चलिए भाई ट्राई करते हैं। शक्ल से सुंदर लग रहा है, टेस्ट में भी काफी स्वादिष्ट है। देसी घी की प्रिपरेशन के साथ बना हुआ है यार, बहुत अति उत्तम। और ये बड़ा कमाल का फ्यूजन, दिस इज द जलेबी वॉफल। भाई इसमें कुछ खास बात है, मेरे ख्याल से ये एक सिंप्लिसिटी की मिसाल है और ये एक मॉडर्न क्यूजीन में एक मॉडर्न फ्यूजन की मिसाल है। तो दोनों रेस्टोरेंट को मैं चाह तो रहा था कि एक विजेता आज मैं ढूंढ पाऊं, लेकिन आज की वीडियो में मेरे ख्याल से गाइस टाई हो गया है। एक बार
जोरदार तालियां बजा दी जाए। दोनों शेफ बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। दोनों का खाना मेरे को काफी पसंद आया है। बाकी आप किसके सबसे बड़े फैन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे आपसे दोबारा। कोई और वीडियो का सजेशन हो तो बेटा देते जाना। ओके, थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।